पाँच मिनट के बाद तुम आइए पास दे सकते सेंटर में एक थोड़ा मैं संपत प्रकाश जी के लिए एक शेर पहले अर्पण करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं श्री संपत प्रकाश जी को एक मायानाज ट्रेड यूनियन का हूँ या एक सोशल वर्कर का हूँ, हर फील्ड में इसने जम्मू कश्मीर के महकूम और कमज़ोरों के लिए हमेशा लड़ा। इसने अपनी ज़िंदगी को हमेशा वक्फ कर रखा था कमज़ोरों की आवाज़ के लिए। जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाज़मीन और यहाँ के वर्कर्स गमज़दा है, क्योंकि इसके कद के बराबर का कोई लीडर आज तक नहीं है। संपत प्रकाश जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। मैं और आज सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाज़मीन हैं गमज़दा है, मुलाज़मीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी गमज़दा है। संपत प्रकाश जी ने हमेशा कमज़ोरों और महकूमों की बात की है। इसने हमेशा हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ दिया। आज हमें सबों को अहद करना चाहिए, और अगर हमने संपत प्रकाश जी को खराज अकीदत पेश करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिशन उसने चलाया है हम उस मिशन की आबियारी करें और उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन होने के नाते रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाज़मीन की तरफ से और वर्करों की तरफ से और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आज गमज़दा हूँ और इनकी फैमिली के साथ तैज़ियत करता हूँ। बहसियत कौम हम खुद आज गमज़दा है, हमें खुद तैज़ियत है कि हमारे कायद रहे हैं और इसने हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाया। मैं यहाँ ये बात भी कहूँ कि बाबाई कौम महात्मा गांधी को जो रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर में नज़र आई थी वो ऐसे ही लोगों की वजह से थी। ये एक सेकुलरिज़म के अलमबरदार थे, इसने कभी हिंदू मुस्लिम में तफरुका नहीं किया। ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद के बानी रहे हैं, उस पर इसने बहुत काम किया। हम हमेशा बहुत वक्त तक इसके इस मिशन को याद किया जाएगा और हम सबों पर फ़र्ज़ है कि हम इसके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। तो मैं यही आज कहूँगा कि इसके बराबर और इसके कद के बराबर का कोई लीडर जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में और एशिया में भी मुलाज़मीन की नुमाइंदगी की है। इसलिए हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि श्री संपत प्रकाश जी हम में से थे, हमारे कायद थे और हमने इसके मिशन को फॉलो करना है। इसके लिए बेहतरीन खराज अकीदत यही है कि इसके मिशन को आगे ले जाया जाए। सजा साहब, एक मिसाल कायम होती है जब हम देखते हैं कि किसी पंडित की मौत वाका हो गई है और तमाम के तमाम मुसलमान यहाँ पे बिल्कुल खड़े हैं
तो क्या था ऐसा संपत प्रकाश जी में कि सभी लोग जो है अफसोस करते हैं उनकी मौत पे? आज आप देख रहे हैं कि पूरी कौम, पूरी जम्मू कश्मीर की जो मुलाजिम बरादरी है वो सदमे में है, दुख में है, और पूरी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आवाम यहाँ की है, वो सदमे में है, दुख में है। वो इसलिए कि हमारे जो रहबर यहाँ पे रहे हैं, ट्रेड यूनियन के बानी जो रहे हैं, जिन्होंने ट्रेड यूनियन को अपने खून से सींचा है, बेलूस खिदमत की है, जान फिशानी से यहाँ के मुलाजमीन की खिदमत की है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, रुख्सत हो गए हैं, और इन्होंने बेमिसाल काम किया है यहाँ के मुलाजमीन के लिए। और दूसरी बात यह कि ये कश्मीर और कश्मीरियत की आवाज़ थे, कश्मीरियत की तर्जुमानी करते थे, इन्होंने बेखौफ बोला है हर एक मामले पर, चाहे मसले कश्मीर का मामला हो, चाहे मुलाजमीन का मामला, जो कोई भी इशू यहाँ पे था, और ये सेकुलरिज्म के अलमबरदार यहाँ पे माने जाते हैं। तो पूरी कौम आज यहाँ पे गमजदा है इस दुख में, और मैं अपनी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इनके अहलायाल के साथ तहजियत और इजहार हमदर्दी करता हूँ, और इनको यकीन दिलाता हूँ हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। और 14 आदमी को डिसमिस किया गया और तकरीबन 100 आदमी को सस्पेंड किया गया, और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 400 मुलाजमीन को बर्तरफ किया गया, और RTC के हमें अहम मुलाजमीन जिसकी सरबराही बशीर अहमद खान उस वक्त कर रहे थे, रियल ट्रेड यूनियन के, उनको भी नौकरी से बर्तरफ किया गया। अल्टीमेटली हमारा कारवान चलता रहा, चूँकि एक आनिस ट्रेड यूनियन थी अब्दुल मजीद खान और संपत प्रकाश की क्यादत में, चूँकि मैं दोनों का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, संपत प्रकाश जी ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉय फेडरेशन के मेंबर रहे, मैं भी 1978 से लेकर 2002 तक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉय फेडरेशन का। हमारे अब्दुल मजीद खान वाइस प्रेसिडेंट पटना कॉन्फ्रेंस में चुने गए। आज तक जो मुलाजिम को सख्तियाँ थी, उन सख्तियों के लिए जो जदोजहद, जो स्ट्रगल का पाथ संपत प्रकाश और अब्दुल मजीद खान ने दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम बोल नहीं सकते। यहाँ मुलाजिमों को एक नौकर, यहाँ के छोटे मुलाजिम को नौकर समझा था। ये बात है 1970 की, यहाँ का एक रोड कुली या एक क्लासपोर 30 रुपया तनख्वाह लेता था, और उसके लिए जो हमारी एजुकेशन हुई, और आज वो क्लास 4 हायर ग्रेड में, आज वो रोड कुली सुपरवाइजर भी बन सकता है। इसी तरह टीचिंग स्टाफ जो है उसके लिए जो एजुकेशन की है वो काबिल सताइश है। जो म्यूनसिपलिटीज है उसके लिए जो हमने तहरीक लड़ी है वो तहरीक आज तक बोल नहीं सकते हैं। हमने शेख साहब से एक बार उन्होंने बुलाया, जब सिर्फ म्यूनसिपलिटी का 74 में हमारी स्ट्राइक हुई है, उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक क्या है, हमने कहा, उसने कहा इनको बंद रखो। सुबह के 6 बजे हमें ऐसे ही पकड़ कर लिया, चूंकि मैं अकेला था। शेख साहब ने कहा क्या बात है, मैंने कहा जनाब आपको पता है यहाँ टीचर एक है, एक लेडी डॉक्टर है, उसको मैटरनिटी लीव 4 महीने मिलते हैं, वाले हेल्थ हमारा एक जो स्वीपर लेडी है जो गंदगी उठाती है उसको ये मैटरनिटी लीव नहीं है, और बल्कि ये वो काम करते हैं जो नहीं कर सकते, और इनको ये चीज़ें चाहे। शेख साहब बरस गए ड्यूरेंस के मिस पर, और बाकी जो वहाँ अफसरान थे उन्होंने कहा ये सच बोलते हैं, फटाफट इसके साथ जाओ, उन जो म्यूनसिपलिटी में काम करने वाले मुलाजिम हैं इनका जो है डिमांड। हमारे जी मजीद साहब और जो बाकी लीडरान है, एक ही नहीं है, मैं कहूँगा कि संपत प्रकाश है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से जो बाकी वर्कर है जिन्होंने सक्रफाइस दिए है, सस्पेंशन खाई है, डिस्मिसल खाई है, वो मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज तक किसी ने जुजियात का रास्ता अगर दिखाया वो लोग पेड इम्प्लॉय फेडरेशन है, जिसकी क्यादत जिनाब संपत प्रकाश और जिनाब अब्दुल मजीद खान कर रहे थे।